डिस्क्लेमर। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आजकल जाकिर नालायक का वो बयान जिसमें उसने कहा था, यदि कोई 20 मिनट तक किसी लेडी को देखने के बाद उसके अंदर के जज्बात नहीं जागते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी है और उसको डॉक्टर की जरूरत है। इस बयान के बाद इस नालायक पर चारों तरफ से थूथू हो रही है और सुनने में आया है कि इस बात पर फतवा भी जारी हो चुका है। फतवे वाली बात कितनी सही है कितनी गलत है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इन लोगों की ऐसी घटिया सोच आती कहां से है ये देखने वाली बात है। इन लोगों का दिमाग नारे के नीचे ही क्यों लगा रहता है। जाकिर नालायक की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कुछ अरबी गुलाम उसको बचाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा ही जाकिर नालायक को बचाने वाला एक शख्स साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में भी आया। अपने आप को बहुत ही चतुर चालाक शो कर रहा था और जलेबियां बनाते हुए जाकिर नालायक को बचाने की कोशिश में लगा था, लेकिन ऐसे लोगों को साहिल और एडम भैंस के खूंटे पे बिठाकर कायदे से स्वागत करना जानते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस शख्स को तो बड़े कायदे से धोया ही गया और साथ में इसके मोस्ट आइडियल पर्सन की हरकतों पर से पर्दा हटाकर उसकी भी असली तस्वीर सबको दिखाई गई। बेचारा जाकिर नालायक को बचाने के चक्कर में अपने प्यारे नबी के बारे में बहुत कुछ कह गया। दोस्तों, यूट्यूब की गाइडलाइन के चलते वीडियो को कुछ जगह म्यूट किया गया है जिसका हमें खेद है। दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी सज्जन इस वीडियो को लाइक करे प्लीज कमेंट जरूर करे। सर, ये जाकिर नालायक साहब को पहचानते हैं आप? हाँ भाई, जाकिर नालायक को तो नहीं पहचानते, जाकिर नायक को पहचानते हैं भाई। सर नालायक ही है ना सर, वो तो आपके सर वो कहता है सर, सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, वो एंकर्स के लिए कह रहा है कि 20 मिनट तक अगर एंकर आपके सामने बैठी है और आपको हलचल ना हुई तो आप बीमार है, आपको जाके अपना इलाज कराना चाहिए। सर ये नालायक ही नहीं है तो क्या है सर? आप भी अग्री कर देंगे आपको? हम लोग जाकिर नायक की बात करने बैठे हैं कि कुछ और? अगर जाकिर नायक की करने की बात बैठे तो उनको बुलाइए ना सर। सर देखो, एक चीज जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि भाई नालायक नहीं है, मैं सबूत दे रहा हूँ। अरे भाई, तो आप इस चीज को नालायक नहीं समझते? आप मुद्दे की बात आइए ना, जाकिर नायक को छोड़िए। अहमद भाई, क्या आप इस चीज को नालायक ही समझते हैं या नहीं समझते? ये देखिए नालायक क्या कहता है, लगाओ गुजरी बसर का लगाओ जरा अमित साहब। नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है, लगाने की जरूरत नहीं है। 24 नहीं, एक बार 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द, अरे हमने सुना है भाई, गुजरी बसर करना है। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुजरी बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। मेडिकली बीमार है। हाँ भाई, तो ये इसको मैं नालायक नहीं कहूँ तो क्या कहूँ भाई? हम ये सोचते हैं कि वो जो है बंदा थोड़ा अभी बह गया है तो उसको छोड़िए। उसको नालायक जो बात किया है इसको नालायक ही समझते हैं या नहीं समझते है? भाई नालायक वर्ड का मतलब पहले बताइए क्या होता है? बेगैरती। एक जो बेगैरत इंसान होता है वो अच्छा इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है, और जो लायक नहीं होता है वो नालायक होता है, इस वजह से ये नालायक है। जी भाई, आप बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है? भाई देखो, उसने ये बोला कि भाई कोई इंसान अगर किसी खवातीन को या औरत को टीवी पे देखता है, अगर उसको कुछ नहीं होता है तो वो मेडिकल के पास जाना चाहिए, जो कि गलत है। अब ये गलत है ना, ये गलत है ना, ये तो फिर वर्ड वर्ड आप ये बोलो गलत है और आगे बात करते हैं। यार ये आप बताओ कि मान लो कि आपकी बहन न्यूज एंकर है, अब जो लोग उसको देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है शो जो है वो 20 मिनट भी चलता है, आधा घंटा भी चलता है, इसने कट आउट पॉइंट जो है 20 मिनट का रखा है, तो 20 मिनट आपकी बहन जो न्यूज एंकर है उसको देख के जितने व्यूअर्स है जो उसको देख रहे हैं, उसमें से वो लोग जिनके दिलों में हलचल मच रही है आपकी बहन को देख के, क्या वो बेगैरत नहीं है? हाँ बेगैरत है। तो भाई अपनी बहन पे आई तो बताया ना आपने कि बेगैरती है, तो बोलो ना कि ये बेगैरत है, ये नालायक। हम कहे तो ना, ये बात जो उसने कही वो गलत है, ये बेगैरत इस मामले में बेगैरत है। हाँ, ये मामले में बेगैरत है। हाँ भाई लोग, ये देखिए अहमद साहब जो है, अभी इन्होंने जितनी बात कही, हालांकि ये फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी बहन का एग्जाम्पल दिया तो इनको समझ में आई कि ये बेगैरती है,
तो अहमद भाई के लिए बात बगैर गुलाब का फूल भाई, वो बात बगैर पूरा बोलो ना, बोलो वो बात और वो अमल बगैरती है ना, जाकिर नायक की वो बात बगैरती है, जाकिर नायक की वो बात और जितने लोग जो आपकी बहन को देख के हलचल पैदा होगी वो सारे के सारे भी तो बेगैरत है ना उस मामले में। अभी तो हम जाकिर नायक की बात कर रहे हैं ना भाई, आप ये टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रहे हो भाई? आपने अभी खुद कहा ना कि अगर आपकी बहन अगर न्यूज एंकर है और जो लोग आपकी बहन को 20 मिनट देख के अगर हलचल पैदा हो रही है, आगे बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा कम से कम। मैं तो आपके लिए गुलाब भिजवा रहा था कि आप एक अच्छे इंसान है, क्योंकि हमारी नजर में वो इंसान जो इस गंदी चीज को गंदा बोले वो हमारी नजर में अच्छा है। मैं तो आपके लिए गुलाब भिजवा रहा हूँ भाई, ठीक है, हमें अभी गुलाब की जरूरत नहीं है, हमें आपसे बात करनी है, तो आगे बढ़ते हैं बात। बिल्कुल, तो आप ऐसे लोगों को बेगैरत समझते हैं ना जो आपकी बहन को एज अ न्यूज एंकर देख के हलचल उनके दिल में बैठ मचल रही है, तो वो बेगैरती वाला अमल है ना उनका वो। भाई कितनी बार बोल रहे हैं, अब आगे बढ़े, आप एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ बोल तो रहे, हाँ आगे बढ़ो। हाँ भाई लोग, जितने लोग इनकी बहन को एज अ न्यूज एंकर देख कर 20 मिनट में अगर उनके दिलों में हलचल मच रही है तो वो सारे बेगैरती वाला काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना, अहमद भाई के लिए एक गुलाब भेजे जब तक मैं अपना हथियार निकालता हूं ताकि उसमें नोट डाउन भी कर ले, ताकि फिर ये बात जो है आगे अपनी बात को चेंज ना करे। ये मैं लिख लेता हूं इनके लिए, एक मिनट दीजिएगा, फिर इनसे स्लेव्स के ऊपर भी बात करेंगे, वो तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। कोई अगर किसी महिला या अहमद भाई की बहन को देख कर 20 मिनट में हरकत शुरू कर दे या उसके दिल में हरकत होना शुरू हो जाए, ऐसा शख्स बेगैरत है, उसका ये अमल बेगैरती वाला है। थैंक यू, ये आपने कहा था हमारे पहले। आप भाई बेगैरत की डेफिनेशन भी लिख दो ऊपर। अच्छा, किसको कहते हैं बेगैरत बताइए, बताओ आप ही बोल रहे हो वर्ड, तो आप बताओ। आपने अग्री किया था ना, किस चीज से आपने अग्री किया था बेगैरती को, जिसको क्या समझ के अग्री किया था? जिसके अंदर गैरत नहीं है या मतलब शर्म नहीं है वो। हाँ, अच्छा, जिसमें बेशरम लिख दो आप, वो ना लिखो, बेशरम लिख दो, बेशरम है जिसमें गैरत नहीं है। ठीक है, चल चलो भाई, ये मामला भी सेट हो गया और अहमद भाई ने इसको अग्री भी किया है। अगर इससे खतरनाक अमल मैं आपके रसूल से बता दूं तो आप फिर अपने रसूल के लिए भी मानेंगे ना फिर कि वो बेगैरती है? अमल अमल क्या है? रसूलुल्लाह का एक्शन। जैसे यही सेम चीज जो आपने अभी डिस्कस हमने की। अब भाई सुनो, अब यहाँ पे जितने लोग हैं कुछ लोग पॉर्न देखते होंगे, ठीक है, ओके, तो सब लोग देखते होंगे, तो अब ये बताओ अगर 20 मिनट पॉर्न देखने के बाद क्या किसी का अगर अगर दिल मचला तो वो बेशरम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अगर पोर्न को देख रहा है। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? न्यूज एंकर और पोर्न नहीं किया भाई। अरे अभी हम आ रहे हैं भाई, न्यूज एंकर पे भी आ रहे हैं, रुको, उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर कोई पोर्न देख रहा है, पोर्न में एक लड़की या उसके साथ जो मर्द है, जैसे कि जाकिर नालायक साहब ने कहा मर्द और वो और फीमेल औरत, ये दोनों बिना वस्त्र के है और वो एक स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हैं और पॉन बनाया भी इस वजह से जा रहा है और फैशन शो में, बिकिनी फैशन शो में, अब बताओ आगे। हम समझ के तुम क्या कहने वाले, पहले पॉन का कहा ना आपने सर, हम समझ गए तुम क्या बोलोगे भाई, तो वो तो पूरा जवाब दे लोगे, पूरा जवाब दे लोगे, नॉर्मल है। अच्छा बोलो, आपने समझा, लेकिन लोगों को भी समझ में आ जाए ना कि आप लोग गेम डालने की कोशिश करते हैं, बोलिए भाई, कितनी बेवकूफी वाली गेम डालना है। हां हां बोलिए। पॉन में एक महिला पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो रहती है, मर्द जो है वो भी निर्वस्त्र होता है और वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और जो इंसान यानी देखता है वो इसी वजह से देखता है कि उसको वो जिंसी सुकून, यानी वो क्योंकि वो फिजिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो वो देख रहा है, तो ये एक चीज अलग है सर। और न्यूज एंकर या रास्ते में कोई लड़की जा रही है वो एक चीज अलग है। अब यहाँ पे 7,000 लोग हैं सर, फैशन शो में एक लड़की बिकनी पहन के आ रही है ना, लेट से बिकनी पहन के आ रही है, शॉर्ट स्कर्ट पहन के आ रही है, या आम तौर पे हम लोग जब जाते हैं बाहर तो किसी देखते हैं कोई महिला झुक रही है तो उसका क्लीवेज दिख रहा है, या पीछे उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी तो बह रहा है, तो
अगर वो बंदा देखेगा तो एक आम आदमी का दिल मचलेगा कि नहीं मचलेगा? मैं okay, पूछ रहा हूं, ये बेचारा, ये नॉर्मल है कि नॉर्मल है? मैं बताता हूं तुमको, देखो जो फिल्म इंडस्ट्री होती है या जो फैशन शो होता है वो इस फिल्म इंडस्ट्री छोड़ो, नॉर्मल बंदा मैं और आप, अच्छा मतलब फिल्म इंडस्ट्री का जवाब नहीं लेना है, नॉर्मल का बोलता हूं मैं। जो नॉर्मल जब आप मार्केट में जाते हो और एक महिला अगर वो रास्ते से जा रही है और सामान खरीद रही है या उसको जरूरत पड़े कि वो झुके और उसका अगर क्लीवेज दिख भी जाता है तो भी आपको मचलाहट नहीं होना चाहिए। करेक्ट, सबसे पहली बात के यार सुन लो ना, अच्छा इस बात से एग्री करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, तो सर मैं और आप दोनों एक ही एग्जैक्ट, तो मैं और आप तो एक ही पेज पे है, मैं तो अग्री कर रहा हूँ। चलो भाई ये भी लिख लेता हूँ। ना ना नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप कह रहे हो मचलाहट नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, ये नेचुरल है ना? नहीं नेचुरल नहीं है भाई, नेचुरल नहीं है भाई, तो तुम आदमी नहीं, अगर तुम्हें मचलाहट नहीं होती है किसी औरत का क्लीवेज देख के, देखे यार एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नॉर्मल नहीं हो, अहमद साहब जरा थोड़ा यार आराम आराम से बात करो पहले। हाँ, साहब मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही थी भाई, सॉरी मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही थी, चिल्लाना पड़ रहा था, अभी सही है? नहीं आपकी आवाज परफेक्ट है, थोड़ा ब्रेक लगा। सबसे पहली बात तो जो अगर कोई महिला मार्केट में जा रही है, रास्ते से जा रही है, छोटा कपड़ा पहने, क्लीवेज, ओके क्लीवेज अगर उसका दिख भी रहा है तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, आपको देखना है। हाँ दिख गया तो आप, पहली बात तो दिख कैसे गया भाई, आपने उसको देखा, अगर दिख रहा है तो आप नजर हटा लो भाई। कुरान में सबसे पहले मर्दों को ये हुक्म दिया गया है कि कभी भी किसी औरत को देखो अपनी नजर झुका लो, देखो ही मत, ठीक है? अगर कोई गलती से दिख भी जाए तो फौरन हटा लो, पहला हटा लेना चाहिए मर्दों को है। हाँ पहला मर्द, पहला जो है हुकुम मर्दों को है, ठीक है? हूं भाई, रुक जाओ अहमद साहब, रुक जाओ, नजर पड़ी तो नजर हटा लो, ठीक है? देन तो फिर अब मचलाहट का तो सवाल नहीं उठता ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मचलना नॉर्मल है कि नहीं है ये बताओ, नेचुरल है कि नहीं भाई? नहीं नेचुरल है, चाहिए कि नहीं चाहिए ये डिफरेंट भाई, भाई सुन लो, एक नजर जवाब ले ले भाई, एक नजर में किसी को देख के अगर आपको मचलाहट हो रही है तो आप मेंटली सिक है, आप बीमार है, आप थरकी नहीं बल्कि थरकी के ऊपर आप थरकुल्ला है, थरकुल्ला है। करेक्ट भाई, अब सुनो मेरी बात, जो आदमी होता है ना, आप भी आदमी हो, हम भी आदमी है, यहाँ 7,000 लोग होंगे उसमें काफी लोग आदमी भी होंगे, जब वो बाहर मार्केट में निकलते हैं, जब वो किसी लड़की को देखते हैं छोटा ड्रेस पहने ना, एक बार पलट के इंसान जरूर देखता है, ठीक है? एक बार देखेगा, अबे वो तो अच्छा काम करता है बुरा काम करता है? अरे लिसन, अरे वो जो अच्छा काम करता है बुरा काम करता है भाई, आप समझ ही नहीं रहे बात को, पहले बात को समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, ये जो चीज फीलिंग आती है ना देखने की, ये नॉर्मल होती है, लेकिन काम गलत है, काम गलत है, काम गलत है, ओके काम गलत है, लेकिन फीलिंग नेचुरल है, फीलिंग नेचुरल है। अच्छा कहाँ तक फीलिंग आती है, एक नेचुरल फीलिंग कहाँ फीलिंग आती है, एक बार पलट नहीं, कहाँ तक ये फीलिंग ही तो है भाई, भाई कहाँ तक है वो नेचुरल फीलिंग, कहाँ तक जाएगी भाई? आदमी औरत अट्रैक्ट करते हैं, ये नेचुरल है। अब अगर तुम भाई नेचुरल फीलिंग है भाई, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ इस बात से कि आप किसी महिला, हाँ तो सुन लेना भाई, जहाँ पे अग्री नहीं करूंगा वहां पे आपसे सवाल करूंगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, एक चीज ये नॉर्मल है कि आप किसी को देख के आप किसी खूबसूरत महिला को देख के, और तुम डिसाइड करोगे खूबसूरत है। हाँ हाँ भाई, अच्छा मतलब आप किसी को भी देख के आप टाइट, मतलब आपकी मचलाहट शुरू हो जाती है, और तुम डिसाइड करोगे कौन खूबसूरत है कौन नहीं है। वाह भाई, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली जो मेरी नजर में खूबसूरत है। बात बता रहे हो भाई, तुम्हारे आप हर किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो भाई। मैं किसी जो है अफ्रीकन लड़की को देख के अट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वो खूबसूरत नहीं होगी। सुनो मेरी बात, तुम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये लड़की खूबसूरत है ये लड़की खूबसूरत, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते भाई। मेरा सवाल सुनो अहमद, क्या आप हर लड़की को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो भाई? तो लेकिन किसको देख के अट्रैक्ट होना है किसको नहीं है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो ताकि मैं लिख लूं। सुनो मेरे, नहीं आप मुझसे जो सवाल करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हर लड़की को देख के आप अट्रैक्ट नहीं होते, नहीं हर लड़की को देख के आप
अट्रैक्ट नहीं होते हो, किसको देख के अट्रैक्ट होते हो बताया ना इसने, ये तो इंडिविजुअल मामला आ गया ना। अच्छा इंडिविजुअल होता है, ओके इंडिविजुअल मामला है। कोई नहीं, लिखो ये बात, लिखो ये इंडिविजुअल, लिख रहा हूं टेंशन मत लो, इंडिविजुअल मामले में आता है। ओके अच्छा, किस हद तक अट्रैक्ट होते हैं आप भाई, ये भी इंडिविजुअल मामला है ना, कि कितने आप कितने हद तक अट्रैक्ट होते हैं। कोई सिर्फ इस हद तक होगा कि भाई एक बार देखा है, लाओ यार एक बार और पलट के देख ले, कोई होता है लाओ यार एक बार कमेंट कर ले, सुनो मेरी बात, कोई होगा लाओ यार एक बार टच करके देख ले, कोई होगा कि लाओ यार एक बार जो है छू के देख ले, सबकी अपनी अपनी हद होती है ना भाई। ओके अच्छा, मतलब आपकी नजर में इसका कोई बाउंड्री नहीं है कि इस हद तक नॉर्मल है, इस हद के बाद उसको मेंटल सिकनेस कहेंगे या ठरकी कहेंगे। भाई तुम बता दो किसको ठरकी कहेंगे, तो किसको मेंटल सिकनेस कहेंगे। मैं बताऊंगा पहले आप बताओ। ये बताओ भाई, पहले आप ये बताओ कि आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप किसको ठरकी कहोगे सोसाइटी के लिए, किसको अच्छा कहोगे किसको बुरा कहोगे, आपके पास कोई इसका क्राइटेरिया नहीं। तुम ना वर्ड को घुमा रहे हो टॉपिक पर, अच्छा घुमा नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आया तुम लोग की सोच किस तरीके से चलती है भाई। तुम अच्छा बुरा बताता हूँ ना भाई, भाई क्योंकि सोसाइटी में आप रहते हो, जिस तरीके से आपने कहा, अगर आप यहाँ पे ये कह रहे, सुनो अहमद अभी मैं आपको निकालना पड़ा, पहले सुन लो, पहले रुक जाओ, अगर आप ये हद सुनो, अगर आप ये हद तय नहीं कर सकते तो आपने पहले ये जवाब क्यों दिया कि आपकी बहन को देख के अगर कोई हलचल पैदा हो रही है किसी को तो वो बेगैरत इंसान है, उससे बेगैरती की है, ये आपने क्यों कहा। भाई मैं चेंज कर रहा हूँ, वो बेगैरत नहीं है, डिपेंड करता है। अरे वाह वाह वाह, हंस लो कोई बात नहीं, हंस लो बिल्कुल हंस लो, वो उस समय तुम इतना प्रेशराइज कर रहे थे ना। अरे वाह इस वजह से पकड़ा गया अहमद, पकड़ा गया, वाह वाह वाह। अब ये कह रहा है कि मैं उसको कहता हूं बेगैरती नहीं है। आप सोचो कि थोड़े देर पहले 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, इसने अपनी बहन के लिए ये कहा था कि अगर कोई उसकी बहन एज ए न्यूज रीडर है, कोई 20 मिनट देख के अगर उसके अंदर ठरक जाग रही है, उसके अंदर हरकत महसूस हो रही है, तो वो बेगैरत है। मैंने लिखा था ना, ये लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए। तो भाई पहले तेरे को सिर्फ देखने में बेगैरती लग रही थी, अब अचानक तेरा स्टांस क्यों चेक हो गया। इसी वजह से मैंने कहा था कि मोमिन जो है या तो अपने रसूल को बचा सकता है या अपनी माँ बहन को बचा सकता है, दोनों को एक साथ कभी वो बचा ही नहीं सकता। 10 मिनट के अंदर इसने अपना पूरा मामला जो है इसने चेंज कर दिया। क्यों मालूम है, अगर मैं ये बात नहीं कहता कि मैं तुमको रसूल, आपके रसूल का अमल इससे डेंजर बताऊंगा, तो ये जवाब ये कभी चेंज ही नहीं करता। जैसे ही इसने सुना कि अब ये कोई रसूल की बात लाने वाला है, अब मैं बेशर्मी की आला इंतहा तक चले जाऊंगा, अब मेरी बहन को देख के कोई मुठ्ठियां मारे तो भी वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको नॉर्मल नहीं कहूंगा तो रसूल की इज्जत चली जाएगी। ये इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग और दिमागी अपंगता है, थू है। यूरोपियन में या स्पेन में इतने टीवी न्यूज एंकर होते हैं जिनका पूरा क्लीवेज दिख रहा होता है ना। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर उनको देख के बंदा मचलेगा तो वो मतलब बेगैरत है कि नहीं है, ये नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा आपके जवाब से मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मॉडर्न ड्रेस हो और किसी मचती है तो बेगैरती है, राइट? नहीं ये नहीं, आप गलत निकाल रहे हो, मतलब ये क्या बताना चाह रहे, कौन सा ड्रेस मॉडेस्ट है कौन सा ड्रेस मॉडेस्ट नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना। मॉडेस्ट है भाई, आप बता दो क्या मॉडेस्ट है भाई, ये हम भी, ये ह्यूमन डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, इंसान डिसाइड करने की बात है। ड्रेस मॉडेस्ट है नहीं, फिर इस हिसाब से कोई ड्रेस मॉडेस्ट है ही नहीं, क्या ड्रेस मॉडर्स्ट है क्या ड्रेस मॉडर्स्ट नहीं है, ये इंसान डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ऊपर वाले ने ये डिसाइड करके बताया है कुरान में। ओके बात सुने यही गेम समझ गया हूँ आपकी ना मेरा प्यारा भाई। इसका मतलब है आप जब यूरोप जाएंगे, यूके में आप ट्रेन में बैठेंगे तो आप अपना लुल्ला निकाल के उसको मुठ मारना शुरू कर देंगे। कौन बोला भाई, आप अभी कह रहे हैं ना कि जो इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है ये, तो फिर आप करना शुरू कर देंगे। अगर आप मुझे एक मिनट बोलने तो मैं समझा दूं। पहली बात तो मैंने शुरू कर दी कि कुरान में आया है पहला हुक्म मर्दों को है कि जहां पे भी औरत देखो
और अपनी आंखें नीची कर लो, अगर दोबारा देखने का मन करे दोबारा मत देखो, अगर तुमने देखा तो ये बहुत गलत काम करा, ठीक है। पहली नजर में सुनो पहली नजर में भाई मैं बुद्धू भाई बारी बारी ना, अगर पहली नजर में देख के खड़ा हो गया तो होना चाहिए कि नहीं, पहले बता दे जवाब लिख लो ना, फिर सर इसका जवाब लिख दे, पहली नजर में अगर खड़ा हो गया तो क्या करना भाई, ये तुम बोल रहे हो मैं नहीं बोल रहा, नहीं सवाल मैंने किया ना उसके जवाब में, आपको पहली नजर इजाजत है, सवाल का पहली नजर में देना पड़ेगा ना, पहली नजर में देख लिया तो क्या होगा भाई, तो पहली नजर में देख के हटा लो नजर अपनी, यही तो लिखा है, अगर खड़ा हो गया तो आपने क्या करना है, घर में कमरे में जाके मुट्ठी मारनी है, बेगम करना है, क्या करना है भाई, तब तो तुम मेंटली सीखोगे ना फिर, अगर तुम ऐसा आंसर लिखे अगर पहली नजर देख कर खड़ा हो गया है और आप बाथरूम में जाके मुट्ठी मार रहे हैं या अपनी बेगम के साथ जा रहे हैं तो आप मेंटली सिख हैं, लिख दे साहिल साहब, अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया तो आप बता दे पहली नजर का ड्यूरेशन, मेंटली सिख किसको मान रहे हैं आप, कितने मिनट को मान रहे हैं, एक सेकंड ड्यूरेशन वन सेकंड का ड्यूरेशन, अच्छा अच्छा मुझे बताइए अगर कोई शख्स वन सेकंड से ज्यादा देखे तो वो गुनाह कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर उसने एक बार देखा दोबारा देखा तो गुनाह कर रहा है, बिल्कुल गुनाह, नहीं 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 दोबारा नहीं देख रहा, अगर वो एक सेकंड से ज्यादा देख रहा है तो वो गुनाह कर रहा है, बिल्कुल गुनाह कर रहा है, ओके, और अगर उसने एक सेकंड देखा है और उसका खड़ा हो गया यानी के और वो फौरन भागा मारने या अपनी बीस करने तो वो मेंटली सिख है, आपने बोला भाई, तो एक सेकंड देख के तुम्हारा ही खड़ा हो सकता है और किसी का नहीं होगा, डन हो गया, तो आप बोले आप बोले आपने बोला ना कि मेरे जैसे बगैरत का ही खड़ा हो सकता है और किसी का खड़ा नहीं हो सकता और जो ये करेगा वो बगैरत, तुम बगैरत नहीं हो फिर तो तुम मेंटली सिख होगा, मेंटली सिख रिटार्डेड राइट, एक सेकंड ऑल राइट जी दोस्तों, इन्होंने बोला मैंने नहीं बोला, इनकी इनकी बात के मुताबिक इनका नबी पलटना नहीं अभी, हाँ इनकी बात के मुताबिक इनका नबी मेंटली रिटार्डेड है, सिख है, वरना उसने एक सेकंड से ज्यादा देखा और अल्लाह का हुक्म तोड़ा है, मोहम्मद ने गली में चलती हुई एक औरत को देखा और उसका इतना खड़ा हो गया कि वो फौरन भागा ताकि अपनी बीवी के साथ जाके इंटरकोर्स कर सके, मैंने इनको ये एग्जांपल दिया था, एक सेकंड देखने के बाद अगर कोई बंदा बाथरूम जाके मुट्ठी मारे या अपनी बीवी करे तो आप उसको क्या मानते हैं, इन्होंने कहा था मेंटली सिक मानता हूं, मेंटली रिटार्डेड मानता हूं, ये बंदा एक मेंटली रिटार्डेड नबी को नबी समझता है और उसको फॉलो करता है, जी भाई देखो तुम ना बात को घुमा रहे हो, पहले बात तो सुनो, मैं बात को घुमाई ना, सुनो आपके सामने प्रूफ है, बोलो बोलो प्रूफ है आपके सामने, मान करेक्ट सुनो, तुमने मान लो कोई आज एक देखा है, तुमने कोई औरत को देखा, एक नहीं एक अब भी देखा, अगर यहाँ तो मोहम्मद ने एक सेकंड से ज्यादा देखा है तो अल्लाह का गुनहगार है, अगर उसने एक सेकंड देखा है तो मेंटली सीखा, तूने बता दिया दोनों बातें, अब बोल ऐसे नबी को नबी कैसे मान सकता, चलो सेकंड नबी ने देखा या किसी इंसान, चलो मैंने देखा, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मैंने देखा, चलो मैंने एक औरत को देखा, मुझे ना वो बड़ी सेक्सी लगी, बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, मैंने फिर लेकिन उसको दोबारा नहीं देखा, ठीक है, लेकिन भाई वो एक सेकंड देखने से इंसान के अंदर एक जज्बात होते हैं, वो जागते तो है ना, ये देखो तुमने कहा किससे, तूने अभी बोला था कि वो मेंटली सिक है, मेंटली रिटार्डेड है, भैंस भैंस के एल तू फंस गया, फंस गया ना 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 मैं तू फंस गया, भैंस का एल है, तू फंस गया भाई, तू फंस गया, अगर खड़ा होता है तो तू मेंटली सिक है, तूने भी बोला ये बात भाई, एक सेकंड में तो किसी का होगा नहीं, पहली बात सुनो, तो तेरे नबी का हो गया वो मेंटली सिक है, अरे बोलने नहीं दे रहे मेरे भाई, तुम कोई चीज देखते हो तो तुम्हारे माइंड में एक इमेज छप जाती है कि नहीं छप जाती है, तो इसका मतलब मेंटली सिक है तूने बोला है, अरे भाई बोलने तो तुम्हारी इमेज में इमेज छप जाती है तो तुम्हारे अंदर के जज्बात होते हैं, तो मेंटली सिक बंदा होता है ना जिसकी छप जाती है, ही इज अ मेंटली सिक पर्सन, रिटार्डेड पर्सन भाई, अगर वो उस तूने बोला था बहन के एल, अरे भाई मेरे सुनो, तुमने एक औरत को देखा, तुम्हारा तुमने एक औरत को देखा, तुम यार अब तो साबित हो गया भाई, बोलने नहीं दे रहे तुम लोग ना अब बोलने के देखो कबूतरबाज, यहाँ पे अपने नबी को अपने नबी की तूने बिस्ती करा दी है भाई, बोलने के दे, तुम लोग डर रहे हो, हम डर रहे हैं, तूने तो नबी को मेंटली सिक कह दिया और हम डर रहे हैं, हमने नहीं कहा भाई, तुम्हें ही नहीं कह रहे हो, सिद्धार्थ हमने एक बार तुमने कहा रिकॉर्डेड है दोस्तों, इसका जरा शॉर्ट बनाना, हाँ बोल, हाँ ठीक है भाई सुनो, तो मैंने एक औरत को देखा कहीं, उसमें मुझे जो है बड़ी सेक्सी लगी, तो अब की अफकोर्स की बात है, मैं मेल फीमेल अट्रैक्शन होगा तो मेरे अंदर वो जज्बात अच्छा। होंगे, लेकिन मैं दोबारा अगर उस औरत को देखूंगा तो ये गुनाह हो गया, ठीक है, लेकिन मोहम्मद ने गुनाह किया है या वो मेंटली सिक है,
अरे सुनो ना भाई, दोबारा तो नहीं देखा ना, कहाँ लिखा है दोबारा देखा? मैंने कब कहा दोबारा देखा? मैं तो कह रहा हूँ मेंटली सीखे हो ना, सुनो तो पहली बार ना ना, ठीक है मैंने अगर दोबारा देखा तो गुना है, लेकिन मेरे अंदर वो एक जज्बात तो शुरू हुआ ना, तो भाई वो जज्बात आके मैं कहीं तो वो करूंगा ना, तो इसीलिए अल्लाह ने बीवियां दी है, इसीलिए तो वो मेंटली सीखे है। तूने भी कहा था ना ऐसा बंदा मेंटली सीखे है, बीवियां दी है। अबे अहमद, तूने बोला था जो ऐसा करेगा वो मेंटली सीख होगा। भाई तुमने कहा था एक सेकंड देखने पे किसी का खड़ा हाँ, होगा वो तो भाई मोहम्मद ने एक सेकंड ही देखा ना, इससे ज्यादा देखा तो तूने कहा गुनेगार है। तो भाई तुमने कहा खड़ा हो जाए, ये कहाँ मेंशन है? अब खड़ा नहीं हुआ तो बीवी के साथ लटके हुए के साथ करने गया था वो, गजब है भाई। नहीं तो मैंने तो अहमद बैक स्टेज कर रहा हूँ तुझे, क्योंकि तू बगैरत है। जब मैंने स्टेटमेंट बोली थी रिवाइंड करके यूट्यूब पे सुन, अब प्रॉब्लम ये है कि या तो तेरा नबी ने एक सेकंड से ज्यादा देखा या तेरा नबी मेंटली सिक है। और नंबर दूसरी बात, इतने जज्बाती हो के जब मोहम्मद गया तो लाजमी सी बात है उसका खड़ा हो गया था, तभी करने गया था ताकि उसे ठीला कर सके। और अगर नहीं खड़ा हुआ था तो से काम करता था वो, जिसकी वजह से कभी बच्चे नहीं पैदा कर सका। आपकी मर्जी है किस टॉपिक को आप पकड़ते हैं। जी अहमद भाई, एक तो यही है, एक तो बोलने नहीं देते, जब बोल रहे तो बैक स्टेज कर देते हो, कैसे बातें लेगी सर? बोलने की है, आप विक्रम कार्ड ना खेलें। तो अहमद साहब, आप इंडिया में जब जाते हैं तो बकौल आपकी जो आपने इस क्राइटेरिया से पहले बोला था कि मॉडर्स्ट कपड़े वो हैं जो अल्लाह ने दे दिए, तो वो औरतें जो मॉडर्स्ट कपड़े नहीं पहनती होती और वो बाजार से गुजर रही हैं और उन्हें साड़ियां बांधी हुई हैं, उनके पेट की कमरिया भी नजर आ रही है किसी हद तक, उनका टांग भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, उनके बाजू भी नजर आ रहे हैं कोहनियों के ऊपर तक, उनको देख के आकर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है बकौल आपके कि ये इंसान की फितरत है, तो इसका मतलब है आप इंडिया के बाजारों में चलते हुए जब फीमेल्स को देखते हैं तो आपकी तीसरी टांग जो है वो हेल हिटलर कहना शुरू कर देती है। भाई भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुम लोग अपने उससे मेरे ऊपर चिपका रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पहली लिमिट पे ही कुरान रोक रहा है कि जैसे देखो वैसे। पहली लिमिट ने रोका नहीं ना, पहली लिमिट पूरी कर दी है, आपने देख लिया है एक नजर, अब आपके उसके अंदर तीसरी टांग है। गलती से नजर नहीं ना पड़ती जब आप सीधा चल रहे हो, नजर पड़ती है। लेकिन 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 एडम साहब, रसूलुल्लाह की भी नजर अगर गलती से भी पड़ी थी तो वो कैसे हरकत में आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेंटली सीख है। अगर गलती भी मान लो आप, तो गलती से देख के भी रसूलुल्लाह हरकत में कैसे आए? एडम भाई से क्वेश्चन है, एडम भाई आप जाते हो, अगर आप मान लो जो है तो आपको कोई लड़की अट्रैक्टिव लगती है? मुझे बड़ी लड़की अट्रैक्टिव लगती है, उसमें क्या मसला? मतलब सेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली अट्रैक्टिव सिर्फ मेरी बीवी लगती है और कोई नहीं। तो ये बताओ, अगर आपकी बीवी आपके सामने साड़ी पहन के आएगा तो आपका मन करेगा? बिल्कुल करेगा, मेरे लिए हलाल है उसके साथ करना। बिल्कुल, तो सिर्फ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इंसान के अंदर ये होती है। आप अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? आपकी बहन है? नहीं। आपकी बहन है? नहीं है। आपकी अगर बहन हो या आपकी माँ तो होंगी? हाँ सबकी होती है। ठीक है, आपकी माँ अगर साड़ी पहन के आपके सामने आए तो आपको हरारत होगी? लेकिन भाई वो हलाल नहीं है ना, आप ही ने कह रहा ना। नहीं तो फिर इसका मतलब है, इसी का यही मतलब है कि जब आप बीवी की बात करते हो तो बीवी के साथ आपको पता है कि आप सेक्स कर सकते हो। लिहाजा सुने जरा गौर से, अहमद साहब सुने जरा गौर से, सुने गौर सुने, और बगैरती कम झाड़े, आपने बगैरती काफी झाड़ ली है। देखिए होता ये है कि जब हम अपनी बहन को देखते हैं ना, तो सिर्फ एक बेगैरत जो होता है उसी का खड़ा होता है और नॉर्मल इंसानों का खड़ा नहीं होता। राइट, राइट, मानते हैं इस बात को? ठीक हो गया। अब होता ये है कि जो शरीफ लोग होते हैं वो जब किसी औरत को बाजार में चलता हुआ देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये एक मांस जा रहा है जिसके अंदर एक सुराख है जिसको मैंने ठोकना है। वो कहते हैं ये मेरी बहन की तरह है, ये मेरी माँ की तरह है, ये मेरी अप्पी की तरह है। वो उनको बहन माँ और अप्पी की तरह ही समझते हैं और उनकी नजरों में हया होती है। वो अगर किसी लड़की को एक सेकंड या चार सेकंड भी देख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उसके साथ एक बस में सफर भी कर रहे हैं, एक ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं और वो उसके सामने वाली बर्थ में भी बैठी हुई है ना, तो उसको उसको देख के फौरन ट्रेन के बाथरूम में जाके मुट्ठी मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनकी नजरों में हया की जरूरत नहीं होती, उनकी रूह में हया होती है। ठीक है, लेकिन फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके नबी की तरह के हैं, जो भरे बाजार में चलती हुई किसी दूसरे की माँ बहन बेटी को देख के इतने ज्यादा मुतासर हो जाते हैं कि उनकी जो रूह की हया है वो मर जाती है। नाउ दिस इज द डिफरेंस जो कि टीचिंग के अंदर होता है, एक मोहम्मद को मानने वाले शख्स की टीचिंग में और एक मोहम्मद को ना मानने वाले शख्स की टीचिंग में। तो भाई एक बात बताओ, आप लेट्स से आप तो नहीं मानते मोहम्मद को ना, आप जब बस उसमें जा रहे हो तो आप हर औरत को अपनी भाई वो बहन बेटी और माँ के नजर से देखते हो? एब्सोल्युटली, मैं बस में भी जाता हूँ, मैं ट्रेन में भी जाता हूँ और मेरा सफर बड़ा कॉमन है, और जिस जगह मैं यहाँ रहता हूँ, सफर कर ले अब जवाब पूरा ले, जिस जगह मैं यहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे औरतें बुरका नहीं पहनती, और बुरका तो बड़ी दूर की बात,
उनके कपड़े भी बड़े मुनासिब होते हैं, मॉडरेट, और बात तो ऐसी होती है जिन्होंने बिल्कुल भी मॉडरेट ड्रेस नहीं पहने होते। डज इट मैटर कि मैं उसकी तरफ ताकना शुरू कर दूं? तो भाई वो जो लेवल है जो मोहम्मद ने दिखाया है शायद में, उस लेवल तक भी आप नहीं पहुंचते हैं कभी भी। अगर आपको कोई एक आधी लड़की को देख के कुछ ना कुछ एहसास और जज्बात हो भी जाए तो भी आप इस लेवल पे नहीं पहुंचते कि आप अपनी पलिए लोके को उठा के बाथरूम ले जाओ उसी वक्त कि यार अभी अभी करना है क्योंकि मेरे जज्बात मजरूह हो गए। जी सर। और नॉर्मल नॉर्मल इसमें एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर देता हूं मैडम साहब, नॉर्मल महिला को देख के आप उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते। अब हम आपको देते हैं अमेरिका का एग्जांपल, ठीक है भाई? अमेरिका में तो बड़ा खुला खुल्लापन है ना भाई, वहां पे तो किसी को नहीं होता भाई। एग्जांपल वो दो ना जो इस हदीस से मैच हो भाई। हर इलाहाबाद के एग्जांपल देख के वहां पे भी मरेगा, वहां पे भी मरेगा। बोलो अमेरिका होता है अमेरिका में, है ना? तो या तो वो मेंटली सिक बंदे हैं, तो भाई आप लिमिट कहाँ लगाओगे ये बताओ ना। आप कह रहे हो अहमद, आप कह रहे हो कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप लिमिट नहीं लगा सकते ना किसी पे, लिमिट लगा सकते, रुक जाए। जो 16 मिनट में रेप हो रहा है वो रेप कभी भी बीच में नहीं हो रहा। जो रेप जो 16 इन्होंने कहा ये हो रहे हैं वहां के मेन सिटीज के अंदर जिसमें न्यूयॉर्क और शिकागो है, ठीक है? और न्यूयॉर्क और शिकागो में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अक्सरियत किसकी आई है जिन्होंने रेप किए हैं, जाके देखें, ये आपके अफ्रीकन मुसलटे हैं और ये आपके साउथ एशियन मुसलटे हैं जिनमें पाकिस्तान भी काफी नंबर वन पे चल रहा है और बांग्लादेश भी है, और ये वाले काले और ये वाले लोग कर रहे हैं। ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आपको नजर आते हैं, ठीक है? और ये कौन कर रहे हैं? शिकागो और न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क का जो ये मैनहट्टन डाउनटाउन रिस्क का एरिया है और दूसरी साइड पे आपका सैन फ्रांसिस्को का एरिया है, और ये वाले मेजर एरियाज को निकाल दें तो आपकी क्वांटिटी बेयर मिनिमम हो जाती है, और वो उतनी कम हो जाती है जितनी कम आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिकॉर्डेड है। दिस इज द स्टेटिस्टिक्स। देखिए इन लोगों को, गधों को पता कुछ नहीं होता, लेकिन एक हवा में तीर मारना कहीं ना कहीं तो लगेगा ना यार। दूसरी बात एडम साहब कि आप जो है जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्शन के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकते ना साबित कर सकते। इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, जो मैच ही नहीं होता है एक्सट्रीम लेवल का, आप लेके यू कैन नेवर प्रूव दैट। ये तो बेवकूफी है भाई। दोस पीपल आर मेंटली सिक पीपल जो ऐसी हरकत करते हैं, वो ये नहीं देखते लड़की ने कपड़े पहने हुए कि नहीं पहने हुए। उनके लिए लड़की सिर्फ एक मास बोटी है और उन्होंने वो मास को छेड़ना, दैट्स इट। सो द डिफरेंस इज एंटायरली लाइक कोई इसका है ही नहीं, लेकिन फिर भी द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। बिकिनी तक गया भाई, अगर अमेरिका की बात करते हैं सबसे सेफ बीचेस अमेरिका के बैठे हुए। अच्छा उससे ज्यादा सेफ बीच देखते हैं तो ब्राजील के हैं। जो ब्राजील के बीचेस एरिया है क्या है यार, रियो डी जनेरो, जहां पे पूरी दुनिया से लड़कियां और लड़के आते हैं। रियो डी जनेरो, रियो के अंदर वाले इलाकों में मसले हैं, बीच में कोई मसला नहीं। You will never find a masla or a problem on the beach of Rio de Janeiro. See, this is the problem with these idiots. Ke Muhammad ko bachane ke liye ye koi si bhi bongi marenge Sahil bhai, level hai bongiyon ka. Bilkul, bilkul. Yaar, match to karo kam se kam, tumhare Rasool ki jo baat hai, jo amal hai, usse match to ho kam se kam. Tum extreme end pe kyun chale jate ho? To yahan pe jo Rasoolullah ke saath jo mamla hua hai, na wahan pe bikini hai, na wahan pe jo hai nudity hai. इस ऐसी एग्जांपल देके अपने पॉइंट को साबित करो ना भाई। और रसूल की बात सुनते ही तुम क्यों अपना स्टांस चेंज कर दिए और दो दो बार चेंज किए, दो दो बार चेंज किए। जब एडम ने आपको पकड़ा तो आपने कहा था एक सेकंड नजर देख के आप अगर इस तरीके से आपका मामला हो रहा है तो आप मेंटली सिक है। नबी आते ही पिक्चर ज़हन में आ गई, मेंटली सिक। हाँ, फटक से अपनी माँ बहन को भी ये जो है ना वो उसका पूरा सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा बाय द वे ये तो हो गया, तेरी बात जो है वो लोगों तक आ गई। और अहमद साहब आप कह रहे थे कि हमने, हाँ निकल गया मैं, अगर सुन रहे हैं अहमद साहब तो इस पे आप नहीं बात करना चाहते इस वजह से आप भाग गए, दैट इज फाइन। आप कह रहे थे कि हमने स्लेवरी के ऊपर जो मैंने बात बताई थी वो गलत बताई थी, आप कह रहे थे कि उस पे आपको बात करना है। आ जाओ स्लेवरी पे भी बात कर लेते हैं और हमने क्या गलत बात बताई है जरा आके हमको बताइएगा, क्योंकि हम जो जो बात करते हैं कुरान और हदीस आपके सामने रख के बात करते हैं, बिना हवाले के हम बात ही नहीं करते भाई। आप कह रहे थे कि हमने, मैंने झूठ बोला, मैंने गलत बताया है, जरा क्या गलत बताया था स्लेवरी के ऊपर बताओ।
तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।